हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस, रियलमी के C25i डिवाइस के बारे में। एंड गाइस, आज का अपना टॉपिक होने वाला है एडिप्टिव ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस लेवल सेटिंग के बारे में अपन बात करेंगे। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने गाइस डिवाइस में किस प्रकार से एडिप्टिव ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को जो है ऑन करके यूज़ कर पाएंगे गाइस, एंड आपको सेटिंग कहाँ मिलेगी। मैं आपको आज की वीडियो में गाइस पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, बात करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। गाइस, अपन चलते हैं फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपको देखिए गाइस, सेटिंग को ऑन कर लेना अपने डिवाइस की। एंड यहाँ पे आपको देखिए डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से गाइस आप अपने डिस्प्ले के ब्राइटनेस लेवल को सेट कर सकते हैं, देखिए उस प्रकार से ऑटोमेटिकली। एंड गाइस, आपको देखिए सेकंड नंबर पे एडिप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको देखिए सेटिंग को अगर आप ऑन करेंगे तो गाइस आपकी जो एडिप्टिव ब्राइटनेस सेटिंग अपने आप से जो है एडजस्ट कर लेगा आपको जो डिस्प्ले का। जैसे कि आप सन में निकल रहे तो अपने आप से जो है आपका डिस्प्ले का लाइट एडजस्ट होगा, या फिर जैसे कि आप जो है नाइट में आ रहे हैं तो गाइस आपको जो है जो आपका जो ब्राइटनेस है वो अपने आप से वहाँ पर भी एडजस्ट करेगा। इस तो आपका जो इस प्रकार से ब्राइटनेस गाइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाएगा एडिप्टिव ब्राइटनेस से। तो गाइस, आज की थी यही सेटिंग अपनी ब्राइटनेस लेवल एंड एडिप्टिव ब्राइटनेस लेवल सेटिंग के बारे में अपन बात की गाइस। एंड सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक ले बाय बाय।